तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है बोला जा रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है, ये निकालना है। अलग ये क्वेश्चन अगर हम लोग कुछ अलग आइडेंटिटीज लगाए तो ये क्वेश्चन बिना वैल्यू डाले भी बन सकता है। तो हम दोनों चीज इसमें डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे हम बना सकते हैं विदाउट कोई वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। हम लोग यहां लिखे हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या चीज, साइन 60 होता है रूट 3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो जो साइन 60 का होता है वही होता है कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 जबकि कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। यहां पर हम देखिए रूट थ्री बन जाता है रूट 9/2 प्लस 1/2 रूट 9 यानी कि 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम देता है यहां से 4 और इस प्रकार आ जाता है 3 + 1 = 4/4 कैंसिल होकर देता है 1 रिजल्ट। लेकिन हमें अगर वैल्यू नहीं भी पता होता, छोटा सा आइडेंटिटीज पता होता, तो उस आइडेंटिटीज के थ्रू हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। ये साइन 60 डिग्री और इसे लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। हम को एक को चेंज करते हैं, यहां पर देख सकते हो तुम लोग किसको चेंज किए हो, कॉस को चेंज किए हो, तो यहां भी हम लोग चेंज किसको करें, साइन को चेंज कर ले कॉस में, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ गए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको तभी पहले ठीक ही था, इसको रहने देते हैं। हम लोग साइन 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 30 पड़ेगा, तो 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहां से देख सकते हो साइन आया 60 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन इंटू साइन बन गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस इंटू कॉस बन गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। जब थीटा इक्वल होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। अच्छा, हमको सिखा रही है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° इसका भी हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1 और स्क्वायर लगा हुआ तो चढ़ गया स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू जो हम लोग पढ़ के आए थे वो है √3/2 स्क्वायर, चढ़ा है तो लगाएंगे स्क्वायर। जबकि माइनस साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है √3/2 और स्क्वायर चढ़ा है तो चढ़ा दिए स्क्वायर। यहां देख सकते हो ये से ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू और इस प्रकार 2 × 1 का स्क्वायर आता है 1 यानी 2 आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग एक चीज और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं ये साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान, वो कैसे याद रखते हैं। चलो यहां पर हम लिख देते हैं थीटा, यहां लिखते हैं हम लोग साइन, लिखते हैं कॉस, कॉस के बाद किसका बारी आता है टेन का, टेन के बाद आता है कॉसेक, उसके बाद बारी आता है सेक का, उसके बाद आता है बारी कॉट का। तो ये भी चीज इसमें डिस्कस कर ले तो आसान होगा, मजा आएगा समझने में। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही हमें क्लास 10th में स्टडी करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो जब हम लोग थीटा 0 लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो इस चीज को हम कैसे समझते हैं, देखो यहां पर 0 से स्टार्ट करें, इसका लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद लिखेंगे 4। मतलब कोई इंसान जब जन्म लेता है तो 0 धीरे धीरे बढ़ता है, उम्र होता है, ये 4 तक जाता है, उसके बाद क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो 4 कंधा लगा के जाता है, यहीं पे मर गया तो यहीं पर 4 कंधा लगेगा, यहां हमारा तो 4 कंधा पे जाता है और उसके ऊपर चादर उड़ा दिया जाता है। तो चादर उड़ा दिया जाता है, ये चादर है, इसको उड़ा दिया जाता है और इस प्रकार वैल्यू यहां से निकल के आ जाता है। यहां से देखोगे तो यहां से तुम्हें वैल्यू दिखेगा कि 0 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 0 ही होगा, 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, 0 तो नहीं होगा। 1 का रूट 1 होगा जबकि 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखो 1 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल और 1 का रूट 1 हो जाएगा, जबकि बेचारा ये फंस गया रूट के अंदर।
और ये रूट थ्री हो जाएगा और फोर का हो जाएगा टू, फोर वन जा फोर वन आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा साइन जीरो का वैल्यू हो गया जीरो, जबकि साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी का वैल्यू कितना आ जाता है वन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार लगता है हमें इसको मिटाना पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉस, छोड़ इसको नहीं इसी को कर देते हैं कॉस। तो कॉस का जो वैल्यू लिखेंगे इसी का उल्टा कर देंगे, पहले वन लिखेंगे, देखो ध्यान से सामने सामने लिखते हैं, वन लिखेंगे रूट थ्री बाई टू लिखेंगे, फिर वन बाई रूट टू लिखेंगे, वन बाई टू लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे। और यहां से तुम्हें एक और क्वेश्चन बन के आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन ये एग्जाम में कि साइन किसका वैल्यू और कॉस किसका वैल्यू इक्वल होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है। दिख गया क्या ना? ठीक है, अब बारी है टेन का। अगर हम टेन का बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला खूब पढ़ के आए थे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखोगे वन से जीरो में डिवाइड करेंगे क्या देगा जीरो, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये से कैंसिल क्या देगा वन बाय रूट थ्री, ये से ये कैंसिल होके क्या बचेगा वन, ये से ये कैंसिल होके क्या बचेगा रूट थ्री, देखो ये से ये कैंसिल यानी बच गया रूट थ्री बाई वन यानी रूट थ्री। जीरो से कोई चीज में डिवाइड देंगे नॉट डिफाइन इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, क्या होता है सॉरी कॉस एक, यानी कि जीरो का उल्टा, ध्यान से ना जीरो को वन बाई जीरो लिख सकते थे, सॉरी जीरो बाई वन लिख सकते थे, अब इसका उल्टा करेंगे तो वन बाई क्या हो जाएगा जीरो, जीरो से कोई चीज में डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित नॉट डिफाइन। अब देखो इसका रेसिप्रोकल टू बाई वन हो जाएगा यानी कि टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रूट टू, इसका रेसिप्रोकल तो टू बाई रूट थ्री, जबकि वन का रेसिप्रोकल तो वन नहीं होगा, वन का उल्टा तो वन ही होगा। ठीक है, कॉसेक के बाद बारी आ जाता है सेक का, और सेक रेसिप्रोकल था कॉस का, वन का उल्टा क्या होता है वन होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, अगर इसी को उल्टा करके लिखें तो ये आ जाता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा रूट टू, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा टू, जीरो का उल्टा क्या नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। जबकि बारी आता है कॉट का, कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा ध्यान देना जीरो का उल्टा हम लोग कर रहे हैं, जीरो बट्टा ये जीरो है मतलब जीरो बट्टा वन है तो वन बट्टा हो जाएगा जीरो, यानी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्लियर क्लियर, इसका उल्टा रूट थ्री, इसका वन का उल्टा वन, इसका उल्टा वन बाय रूट थ्री, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। इस प्रकार हमने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और इसी का यूज है हमें करना 8.2 में। पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसी के बेस्ड पे हुआ था कि हमें कुछ पूछा जा रहा था कि 10 45 डिग्री का मान पुट करना है यहाँ पे, तो 45 का तुम वैल्यू देख सकते हो 10 में 1 था तो चढ़ा दिए 1, और स्क्वायर लगा था लगा दिए स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस 30 का वैल्यू तुम देख सकते हो रूट थ्री बाई टू था और चढ़ा था स्क्वायर तो चढ़ा दिए स्क्वायर, माइनस था साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन 60 का वैल्यू क्या था तो देखो साइन ये है और 60 कहाँ है यहाँ, उसका वैल्यू क्या था रूट थ्री बाई टू था, चढ़ा था स्क्वायर तो लगा दिए स्क्वायर, ये से ये हो गया कैंसिल और बच गया 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे, थर्ड करते हैं इस वीडियो में कि बोला है कि cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री अभी तुरंत हम देखे भी थे कि cos 45 का वैल्यू जो था 1/√2 था, कहना 1/√2 बाय sec 30, हम याद नहीं रख सकते हैं sec 30, हम याद रखेंगे sec का रेसिप्रोकल cos, cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो cos 30 का वैल्यू जो होता है वो अगर तुम्हें याद होता है तो बात बन जाता है कि √3/2 होता है, यानी 2/√3 रेसिप्रोकल होता है 2/√3, ऐसे याद रखो, सब चीज याद नहीं रखना जरूरी है, साइन का याद रखते हैं तो हमें याद रहता है कोसेक का साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इसका रेसिप्रोकल होता है ये यानी 2 यानी कि 2, और हम लोग कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग रखेंगे ये उतना आसान हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1/1 और √3 का एलसीएम देता है √3, √3 के टेबल में √3 1 टाइम्स आएगा, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 1 के टेबल में कितना अच्छा है 1 का टेबल आम बार पढ़ते हैं आम ही आएगा, अमरूद बार पढ़ेंगे अमरूद आएगा, ठीक उसी प्रकार 1 का टेबल √3 टाइम पढ़ेंगे √3 आएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 ही आएगा, समझ में आ गया। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो 1/√2 लिखते हैं, ये डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई का सिंबल दे देते हैं, ऐसे समझ में ज्यादा आएगा √3। अब ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब चेंज हो, है ना, तो क्या आ गया 2+√3। क्लियर है, अब हम लोग मल्टीप्लाई जब कर दे तो बन जाता है √3/√2 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2√2, प्लस है तो प्लस 2, √2 का मल्टीप्लाई √3 से तो √6,
जब नीचे रूट में वैल्यू, जीवन में याद रखना, जब नीचे रूट में वैल्यू करेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण, क्या करेंगे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो देखो ये क्या बन जाता है। तो परिमेयकरण का एक रूल है, अगर नीचे प्लस का होगा सिंबल तो माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, जैसे ये था टू रूट टू, प्लस का था टू रूट सिक्स, तो मल्टीप्लाई में होगा टू रूट टू और माइनस का टू रूट सिक्स और बाय टू रूट टू माइनस का टू रूट सिक्स। मैथ में बेमानी नहीं होता है, कैंसिल हो गया फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे क्या हो गया, नीचे वाला टर्म रूट में नहीं रह जाएगा, उसी को तो गैप करना था। अब देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बन जाएगा टू रूट सिक्स, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस टू, अंदर वाला अंदर को पकड़ के बनेगा बंदर ना। अच्छा तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। तो छत्रिक 18 बाय नीचे वाला टर्म देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इस प्रकार हम देखेंगे यहां से क्या देखेंगे, तो देखेंगे क्या टू कॉमन लेने वाला बात दिख रहा था, ले लिए टू कॉमन, यहां से बच गया रूट सिक्स माइनस एटीन रूट 18 बाई, देखो ध्यान से 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट कैंसिल, क्लियर है। यहां से देख सकते 2 इंटू रूट 6 और 18 को तुम ब्रेक करोगे तो देखो क्या आएगा 2 9 3 3, जो पेयर निकल के आएगा बाहर और फंसेगा बेचारा रूट 2 बटा 4 का दुनी 8 माइनस 6 24, और यहां से देख सकते 2 और रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू बाई में 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का 16 दू के पहरा में 2 8 16, ठीक है। माइनस नीचे है, माइनस यहां से हम कॉमन ले लिया अगर तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस वाला बात, प्लस का बात हो जाएगा माइनस वाला, और बट्टा में बचेगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, और इस प्रकार वैल्यू ये जो आया है यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। बार फोर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू खूब मजे से पढ़े थे 1/2, और देखे भी थे थोड़ी देर पहले हम लोग, प्लस 45 का वैल्यू सबसे अच्छा होता है 1 ना, माइनस 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 कॉसेक 60 डिग्री याद नहीं रखेंगे, साइन 60 याद रखते हैं कि रूट 3/2 होता है यानी 2 बाई रूट 3, बहुत मजा आता है ऐसे हमको याद रखने में, कि हम उसको नहीं याद रखते हैं इसके ओरिजिनल को याद रखते हैं, यानी कि सेक जो है कॉस है उसका रेसिप्रोकल सेक है, यानी कॉस जो है कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वह होता है रूट 3/2 और रेसिप्रोकल है तो बन जाएगा 2 बाई रूट 3, प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो रख दिए 1/2 और प्लस 45 का वैल्यू 1 क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट और कॉट रेसिप्रोकल 1 का 1 ही देगा क्या। चलो यहां पर भी वही बात हम पहले ही बोले थे कि जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए कोई दिक्कत कोई खोखी कोई खखार नहीं है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से बच जाता है अपना रूट 3 प्लस, इसके लिया में कुछ नहीं मतलब 1 है, अब 1 के टेबल में जो चीज होता है तय बढ़ा जाता है यानी 2 2 3, माइनस का रूट 3 से रूट 3 फरार 2 2 जा आ जाता है 4 और कर लेता है क्वेश्चन के साथ करार। यहाँ एलसीएम क्या देता है तो यहां भी देता है 2 रूट 3 एलसीएम और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल 2 2 जा देता है 4 और 2 के टेबल में 2 कैंसिल आ जाएगा और रूट 3 बचेगा तो यहां से आ जाएगा रूट 3 प्लस, तो प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 1 के टेबल में इतने टाइम्स आ जाएगा और बच जाएगा 2 रूट 3, और यहां से तुम देख सकते हो रूट 3 2 रूट 3 बन जाता है 3 रूट 3 माइनस का 4 और ये सी तो फरार बाय, यहां से देखो 4 बच जाता है और यहां से भी बच जाता है प्लस 3 रूट 3, क्लियर है। अब पहले भी हम बात किए थे जब नीचे रूट का मामला आया तो कर देते हम लोग परिमेयकरण, क्या करते हैं लिख देना तुम लोग परिमेयकरण करने पर, इसे पहले नहीं लिखे थे लिख सकते हैं करने पर, जब परिमेयकरण करते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 बाई 4 प्लस 3 रूट 3, ठीक है। इससे ज्यादा टेस्टी लगेगा अगर इसको हम ऐसे लिख दे, पहले लिख दे तो ऊपर नीचे सेम दिखेगा थोड़ा, 3 रूट 3 प्लस 4। अब हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म से करते हैं प्लस तो माइनस कर देते हैं ना बाय 3 रूट 3 माइनस का 4, ये देखो सेम टर्म है ना
तो ये लिखेंगे 3√3 − 4 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे तुम्हें दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला खूब बोला जोर जोर से कि ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर, लिख दिए हम लोग जोर जोर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खूब बोला था कि होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक हुआ था। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 3 − 4 का स्क्वायर 16 = 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 माइनस 4, देखो 4 * 12 = 24 और रूट 3 बाय 27 − 16। यहां से क्या गया 27 + 16 − 24√3 बाय कितना हो जाएगा यहां से 11 ना, ये दोनों का ऐड किए 43 − 24√3 बाय 11 और यही अपना फाइनल आंसर है। क्या है 5 cos² 60 °। तो 5 लिख दिए, अब देखो cos स्क्वायर 60 °, cos 60 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4। sec का वैल्यू याद रखने से अच्छा cos का वैल्यू याद रखना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 यानी कि बन जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर लगा तो चढ़ा दिए 1 का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 °, प्लस cos स्क्वायर 30 °, आएगा 1 ही आएगा 1 ही, उसका भी यूज करके 1 लिख सकते हैं, अगर नहीं मन है तो लिखेंगे वैल्यू कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है 3/2 का स्क्वायर, आएगा वही जो हम सोचे। यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 प्लस देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 2 जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3, 1 का स्क्वायर 1 बाय देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4 और यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या देता है 4 × 12 एलसीएम, 4 के पावर में 12 3 मरते जाएगा और 3 × 5 = 15 होगा प्लस 3 के टेबल में कितना टाइम आ जाता है 4 टाइम आ जाता है 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 के टेबल में 12 साइन आएगा तो 12 हो जाएगा बाय यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या देगा 4 और यहाँ से देखो 1 आ जाएगा प्लस 4 × 4 यानी 3 आ जाएगा और इसको देखो क्या आ जाता है तुम्हारा 5 * 4 = 9 6 × 1 = 7 माइनस का 12/12 यहां से देखना देखना मेन डिवाइड ये है ना यहां से 4/4 क्या आया रिजल्ट 4 हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा वैल्यू फिर से इसमें से ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7 और ये क्या हो गया 6 अब बाय 12 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।